यशिया का भविष्यवाणी उसका एक अध्याय और पहला वचन हम पढ़ेंगे। यशिया की भविष्यवाणी पहला अध्याय पहला वचन, अमोस के पुत्र यशाया का दर्शन जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। यहाँ पर देखिए और एक बार वचन को सीखते हैं, अमोस के पुत्र यशाया का दर्शन। ये दर्शन के बारे में है जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में, इसका महत्वपूर्ण यशाया के पास जो महत्वपूर्ण भाग आया था वो यहूदा और यरूशलेम के बारे में था और उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में इसको पाया था। ठीक है, तो ये एक पीरियड के बारे में बताता है, ये एक समय के बारे में बताता है और वो दर्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी लिखा गया है यशया को मिला हुआ दर्शन को लिखा गया है और वो दर्शन दो चीज़ों से संबंधित है, एक यहूदा के साथ संबंधित है और दूसरा यरूशलेम के साथ संबंधित है। और जब ये दर्शन को प्राप्त किया गया था तो वो दर्शन एक अध्याय से लेकर 66 अध्याय तक लिखा हुआ सारा अध्याय जो भी है वो इन राजाओं के समयों में, यानी वो दर्शन को प्राप्त पूरा होते समय ये सब राजाओं ने राज्य किया था, योताम, उज्जिया, अहाब और हिजकिया, ये सारे राजा लोग उस समय, एक एक राजा उस समय राज्य कर रहा था। वो समय के अंदर ये 66 अध्याय के दर्शन यशया को मिले हुए थे। अगर देखेंगे तो ये 4 बादशाह थे, लेकिन पहला वचन खुद बताता है कि यशया इन राजाओं के साथ का कुछ बोल नहीं रहा है। वो खास ध्यान केंद्रित करने वाली बात जो यशया के पास परमेश्वर दे रहा था वो यहूदा के लिए दे रहा था और यरूशलेम के लिए दे रहा था। जब सुलेमान के बाद में देखेंगे तो इज़राइल के राष्ट्र तोड़ दिए गए थे 2 भागों में। ठीक है, तो वो एक युद्ध के वक्त में हो गया था, जब सुलेमान का राज्य खत्म हो गया था उसके बाद ये एक समय आ गया था कि जो इज़राइल राष्ट्र है वो 2 भागों में बट गया था, 2 घराने में बट गया था। जो उत्तर की ओर रहने वाले थे उन लोगों ने अपने आप को इज़राइल का घराना ये नाम दिया था, जो उत्तर की तरफ थे उन लोगों ने ये अपने आप को नाम दिया था इज़राइल का घराना, और जो दक्षिण की ओर थे उन्होंने, वो लोगों ने अपने आप को नाम दिया था कि यहूदा का घराना। ठीक है, तो इस तरह से इज़राइल राष्ट्र का 2 घराने में बंटवारा हो गया था। वो सुलेमान के बाद ये एक युद्ध के कारण इनके बंटवारे हो गए थे। उत्तर दिशा की तरफ जो गोत्र एकत्रित थे उन्होंने अपने आप को इज़राइल के घराना कहा गया, और दक्षिण की तरफ जो गोत्र के झुंड बचे हुए थे उन लोगों ने अपने आप को यहूदा का घराना कहा गया। लेकिन दोनों को मिलाकर अगर देखेंगे तो वो इज़राइल राष्ट्र ही है, और इज़राइल ये कौन है, ये याकूब है, याकूब का नाम बदलकर इज़राइल रखा गया था, और ये गोत्र कौन है, ये इज़राइल के बेटे हैं जो 12 गोत्र हैं। तो इन लोगों में बंटवारा हो चुका है, जो उत्तर की तरफ रह गए गोत्र हैं, बेटे हैं इज़राइल के, यानी जो इज़राइल का घराना है उत्तर की तरफ, और कुछ बेटे जो गोत्र होकर और याकूब के बेटे जो गोत्र हैं। ठीक है, तो इज़राइल का घराना टूटकर जो दक्षिण की ओर चला गया उन्होंने अपने आप को यहूदा का घराना कहना शुरू किया। तो यहूदा भी ये इज़राइल याकूब का ही लड़का है, ओके, याकूब के ही निकले हुए संतान का ये वंश है, लेकिन वो यहूदा के नाम से उसे अलग कर लिया गया। यहूदा और इज़राइल घराना जो है वो याकूब का घराना, उसको अलग कर दिया, याकूब से कट के
यहूदा को अपने आप को अलग कर दिया, ये यहूदा का घराना हो गया और वो याकूब का घराना, इज़राइल का घराना ऐसा हो गया। इसके लिए जब हम यहूदी बोलते हैं ना, आज भी लोग बोलते हैं ना ज्यूस बोलते हैं या यहूदी बोलते हैं, यहूदी के घराने के लोग ऐसे बोलते हैं, तो वो इज़राइल में से टूट कर निकले हुए, इज़राइल के राष्ट्र में से टूट कर दक्षिण की ओर चले गए। वो दक्षिण की ओर चले गए हुए जो गोत्र थे उन्होंने अपने आप को यहूदी बना लिया, उन्होंने अपने आप को यहूदियों का घराना बना लिया, यहूदियों का घराना ये नाम उन्होंने अपने आप को दे दिया। अब ये दो घराने हो गए, एक तो इज़राइल का घराना नाम ले लिया कुछ गोत्रों ने, और कुछ गोत्रों ने यहूदा का घराना नाम ले लिया। लेकिन ये दोनों उत्तर और दक्षिण के ऊपर राज्य करने के लिए उस समय राजाओं को नियुक्त किया गया था, और उन राजाओं के कारण वो घराने उस जगह की व्यवस्था बहुत ही खराब से बदतर और बदतर से और ज़्यादा बदतर होती जा रही थी। जो अश्शूरी लोग थे, अश्शूरी के जो बादशाह थे, अश्शूरी जो जगह के बादशाह थे, वो उत्तरी तरफ जो घराना था इज़राइल का घराना, उत्तरी तरफ जो घराना था इज़राइली घराना, तो वो इज़राइली घराने के ऊपर प्रबल हो गए। उन्होंने इज़राइली घराने को कब्जे में कर लिया था और उनके ऊपर प्रभुता करना शुरू किया था। यह परमेश्वर ने ही ऐसा किया था, अश्शूरियों को इज़राइलियों के ऊपर चढ़ा दिया था, जो उत्तरी की ओर है उस इज़राइली घराने के ऊपर अश्शूरियों को चढ़ा दिया था। ये एक परमेश्वर ने पनिशमेंट के रूप में किया था, सजा देने के लिए, इज़राइलियों को सजा देने के लिए अश्शूरियों को भेजा था उनके ऊपर। उन जमाने में ये अश्शूरी लोग जो थे वो बहुत ही प्रबलशाली, प्रभावशाली और बहुत ही बलवंत माने जाते थे, बहुत ही मतलब लूटपाट करने में बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी ताकतों का नाम था। अब दक्षिण की ओर जो राज्य था, जो यहूदा का घराना था, वो 112 साल तक बना रहा, उसको कोई तोड़ नहीं पाया। लेकिन इज़राइल का घराना जो है उसको पनिशमेंट करने के लिए, उसको सजा देने के लिए परमेश्वर ने अश्शूरियों को भेज दिया था, क्योंकि यहूदा भी कुछ गलत काम कर रहे थे और फिर भी परमेश्वर के सामने वो किसी भी प्रकार से विश्वास योग्य रहने की पूरी कोशिश भी कर रहे थे। जो परमेश्वर चाहता है उनसे, वो कहीं ना कहीं से वो विश्वास योग्यता को खींच के हम अपने अंदर से वो सारे ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे जो परमेश्वर उनसे आशा रख रहा था। लेकिन इज़राइल का घराना वो नहीं कर पाया, इसके लिए अश्शूरियों को उनके ऊपर भेज दिया, पनिश कर दिया और उनको कब्जे में ले लिया था, उनके ऊपर राज करना स्टार्ट किया था। इसके लिए इज़राइल का घराना का बहुत ही टूट फूट हो गया था और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में बदतर से और बदतर होती जा रही थी उनकी परिस्थिति। लेकिन यहूदा का घराना जो है, जो दक्षिण की ओर है, वो 112 साल तक बना रहा, और इसका वजह यही था कि वो कुछ ना कुछ तरह से अपनी गिरावट के बीच में भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता को जाहिर कर रहे थे, और जो भी परमेश्वर उनसे अपेक्षा रखता था, आशा रखता था, वो ज़रूरतों को भी वो अपने अंदर से पूरा करते जा रहे थे। इसके लिए उनका 112 साल तक बने रहना पॉसिबल हुआ। लेकिन फिर एक समय आ गया कि बबिलोन जो है वो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया यहूदा को बंधुआई में लेकर जाने के लिए। 70 साल बबिलोनी के कब्जे में यहूदियों को लेकर गए, ठीक है। तो परमेश्वर ने अश्शूरियों को भेजा था इज़राइल के घराने के ऊपर, और 112 साल के लंबे समय तक रहने के बाद में परमेश्वर ने यहूदा को पनिश करने के लिए, उसको न्याय करने के लिए बबिलोन को भेज दिया। बबिलोन के जब उनके ऊपर चढ़ाई हुई तो 70 साल तक यहूदा का घराना बबिलोनियों के कब्जे में रहा था। अब यशया जब इन सारे बातों के अंदर खास महत्व रखते हुए यहूदा और यरूशलेम के बारे में बोलने के लिए अपना भविष्यद्वक्ता का पोजीशन को वो इस्तेमाल कर रहा था, उस दौरान सबसे ऊंचे
ताकतवर माने जाने वाले जो लोग थे, चाहे वो दक्षिण रहे चाहे वो उत्तर रहे, दोनों के बीच में चारों दिशाओं में जो नामचीन था राज्य करने में ताकतवर, वो अश्शूरी लोग थे। बबीलोन अगर देखा जाएगा तो एक बहुत छोटा शहर है जो फरात नदी है उसके किनारे पर लगा हुआ एक छोटा सा शहर है, बबीलोन नाम है उसका। ऐसा देखा जाएगा तो एक छोटा तिनका, तिनके के समान है अश्शूरियों के सामने वो, लेकिन वो अश्शूरियों के सामने इतना तिनके का समान है फिर भी अश्शूरियों के राजनीति में उसका महत्व था। देखो तो बेबीलोन से यशया का क्या होना चाहिए ऐसा बात करने के लिए, तो ये यशया के पास परमेश्वर ये भेज रहा है कि वो बेबीलोन के नाश की घोषणा कर रहा है। बेबीलोन किस प्रकार से नाश होने वाला है उसके बारे में यशया के द्वारा बात किया जा रहा है परमेश्वर। अब देखने के लिए हमको बहुत अजीब लगेगा कि सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाने वाला, नाश जो भी घात करने में बहुत ज़्यादा नामचीन जो है वो अश्शूरी है, तो परमेश्वर ने अश्शूरी के नाश होने की बात करना चाहिए, लेकिन यहाँ ये तिनके भर के ज़मीन पर एक छोटा शहर जिसका नाम बेबीलोन है उसके नाश के बारे में यशया के साथ वो बात कर रहा है, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है हमको सुनने में। बबीलोन के बारे में चर्चा करेंगे तो अभी तक तो वो शुरू भी नहीं हुआ था, अब वो अश्शूरियों के मानिंद उसके राजनीति का सहायता लेकर वो बढ़ने के चक्कर में था, वो बढ़ने के दिशाओं में था, अभी तक तो वो कुछ भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर इसी समय यशया को बबीलोन जैसे तिनके भर के शहर वालों को किस प्रकार से नाश करेगा उसके बारे में यशया को वो दर्शन दे रहा है। इसके लिए अभी आपको बहुत ध्यान से देखना है यशया की पुस्तक, जब भविष्यवाणी की पुस्तक आप पढ़ रहे हो तो ध्यान से देखना है। इज़राइल ये खुद एक राष्ट्र है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यशया कुछ समय तक वो इज़राइल राष्ट्र के बारे में बात कर रहा है, लेकिन बाद में कुछ समय तक वो इज़राइल का टूटा हुआ जो भाग है, जो उत्तरी दिशा की ओर गोत्र है, उस गोत्र ने अपने आप को इज़राइल के घराना ये नाम दिया है। तो आप जब पढ़ते हो यशया के पुस्तक को तब ये बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्या यशया इज़राइल राष्ट्र के बारे में बोल रहा है या इज़राइल घराने के बारे में बोल रहा है, क्योंकि जो महत्व का दृष्टि रखा है यशया ने वो यहूदा और यरूशलेम के ऊपर रखा है। इसके लिए हमको यहूदा और यरूशलेम के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यरूशलेम को 30 अलग अलग नाम से यशया में लिखा गया है। हम दूसरा वचन देखेंगे, यशया के भविष्यवाणी का पहले अध्याय का दूसरा वचन। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। और एक बार देखिए यशया के भविष्यवाणी पहले अध्याय का दूसरा वचन। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। अब इसके बारे में आप देखेंगे तो एक वजनदार पड़ता है हमारे समझ के ऊपर कि ऐसा क्यों परमेश्वर कह रहा है। तीसरे वचन में देखिए आप पढ़ेंगे, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। और एक बार देखिए तीसरा वचन, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। यहाँ पर परमेश्वर ने इज़राइल के बारे में यशया को बोलना शुरू किया है, ठीक है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आप देख सकते हैं परमेश्वर ने उदाहरण के लिए किसका इस्तेमाल किया, पशुओं का इस्तेमाल किया,
बैल और गधा पशु है, पशुओं का इस्तेमाल किया। बैल और गधा ये पालतू पशु है, पालतू पशु के साथ मालिक कैसा व्यवहार करता है। पालतू पशु समझता है कि ये मेरा मालिक है, लेकिन इज़राइल नहीं समझ पा रहा है कि परमेश्वर उनका मालिक है। परमेश्वर को वो ग्रांटेड लेते हैं, परमेश्वर को वो ऐसा लेते हैं मानो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो परमेश्वर इसका दुख जता रहा है, वो विशेष प्रकार का एग्जाम्पल दे रहा है। एक पालतू जानवर अपने मालिक को जानता है, लेकिन मनुष्य जिसका मालिक मैं हूँ वो मुझे तुच्छ जानता है। ओके, परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती है, नहीं करती। अब चार वचन देखिए, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लगा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इसराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यशया ने परमेश्वर को इसराइल का पवित्र ये कहकर पुकारा है। अब देखिए ये दर्शन परमेश्वर यशया को दे रहा है, तो ये नाम किसने दिया होगा, ये परमेश्वर ने ही दिया नाम इसराइल का पवित्र, समझ में आया। ये यशया के बुद्धि का शब्द नहीं है, परमेश्वर दर्शन दे रहा है यशया को, तो उस दर्शन के अंदर जो भाषा इस्तेमाल हो रही है वो परमेश्वर यशया के अंदर से बोल रहा है। तो परमेश्वर ने अपने आप को वहाँ पर इसराइल के पवित्र कहा है। हालेलुया, तो इस प्रकार से आपको यशया के भविष्यवाणी को समझना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर इसराइल घराने से बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर इसराइल राष्ट्र के साथ वो बात कर रहा है। परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इसराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। अब ये वचन को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर को हम क्रोधित कर सकते हैं हमारे बिहेव्स के द्वारा। जब हम उसके कहने के अनुसार नहीं चलते हैं तो वो दुखी हो जाता है, उसको दर्द होता है। ओके, और वो दुखी हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा निर्माण करता हूँ और फिर भी तुमको इतने भी इज्जत नहीं है मेरे लिए, इतना भी आदर नहीं है मेरे लिए कि मैं तुमसे कुछ करने के लिए कह रहा हूँ। ओके, मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम मेरा अनादर कर देते हो, मेरे लिए समय नहीं देते हो, मुझे तुच्छ जानते हो। ओके, और अपने मर्जी को तुम ऊंचा करते हो। तो ये सारी बातें जब इसराइल कर रहा था तो उसको वो खेदित कर रहा था और गुस्सा आ रहा था उसको कि ये मेरी प्रजा होने के बावजूद क्यों नहीं समझ पाती है कि मैं इनका चलाने वाला, बनाने वाला, सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ, तो कितना उन्होंने मेरे संगति में मेरे अधीन रहना है। लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं, निर्बुद्धि के समान वो मुझे अलग कर देते हैं और अपने मर्जी के अनुसार कर देते हैं। इसका भावनात्मक एरिया हमको समझना है, ये सच्चाई है कि परमेश्वर सच में विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, तो ये हमने कभी नहीं सोचना है कि परमेश्वर दयालु है तो बस वो दया ही करता रहता है, नहीं, वो हमारे कर्मों के द्वारा दुखी भी होता है, कष्टी भी होता है और खेदित भी होता है, वो पश्चाताप करता है कि मैंने क्यों इसको बनाया। ठीक है, तो परमेश्वर के अंदर का रचना हमको समझ में आना चाहिए, वो हमारा निर्माण करता है तो हमको उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं रहना चाहिए, हमको उसके बढ़कर कुछ भी अपना महत्व नहीं रखना है, क्योंकि वो रखने से परमेश्वर क्रोधित भी होता है, निराश भी होता है और दुखी भी होता है हमारे बारे में। यहीं पर से हमको इस बात की
तसल्ली ले लेना है, हमने बहुत ज़्यादा परमेश्वर को ग्रैंटेड नहीं लेना है, हमने परमेश्वर के भावनाओं को समझना है, क्योंकि उसके अलावा हमारे लिए अंत नहीं है। वो ही हमारा शुरुआत है, वही हमारा अंत में हमारे साथ है। तो इसके लिए हमने उसको पहला समय देना है। पहला समय यानी ऐसा नहीं कि आप उठ गए सुबह के बस हमने दे दिया समय, ऐसा नहीं, लेकिन आपका हर चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि क्या ये परमेश्वर मेरे से करवाना चाहता है या नहीं करना चाहता है। अगर उसने आपको कोई बात बोल दिया है नहीं ये मत करो, तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा ललकता होनी चाहिए कि आप उसे नहीं करेंगे। अगर उसने बोल दिया कि ये कीजिए, तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा उसके लिए फायर होनी चाहिए कि आप उस बात को करने के लिए पैशनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पैशन, आपका इच्छा, आपका मूवमेंट्स, ये परमेश्वर के आवाज़ को आदर करते हुए होना चाहिए, ये परमेश्वर को चाहिए। ओके, और अगर आप वैसे नहीं हैं तो आप इस बात को अपने अंदर पक्के ले लीजिए कि परमेश्वर क्रोधित होता है। ओके, परमेश्वर पश्चाताप कर लेता है कि क्यों मैंने इसको बचाया। ओके, परमेश्वर को दुख होता है जब हम उसको उसके बात को अनसुना कर देते हैं, उसको दुख होता है, उसको कष्ट होता है कि मैंने इतनी बार इसको समझाया तो भी ये इस गलत बात को छोड़ना नहीं चाहता है, मैंने कितनी बार इसको बताया कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ फिर भी ये मेरे ऊपर शक करता है। ओके, मैंने कितनी बार इसको बचाया तो भी अभी भी ये डरता ही है, ये मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर दुखी भी होता है हमारे अविश्वास को देखकर, हमारे अनाज्ञाकारिता को देखकर, वो पीड़ा हो जाती है, उसको दुख हो जाता है, कष्ट हो जाता है। इस बात को हमने भूलना नहीं है, इस बात को हमने सच्चाई है ये हमको समझ में आना चाहिए, ये बात को हमने अपने अंदर खींच लेना है कि हमारा परमेश्वर भावनात्मक भी है। इसके लिए परमेश्वर ने एक रास्ता रखा है जो प्रेरितों के द्वारा हमको मिलता है, वो हम पढ़ सकते हैं पहले यूहन्ना की पत्री उसके पहले अध्याय के 9 वचन में हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो भावनात्मक परमेश्वर है, ठीक है, वो क्रोध करने वाला परमेश्वर है, चाहे वो विलंब से क्रोध क्यों ना करता हो लेकिन वो क्रोध करता है और वो हमारे से नाराज़ भी होता है, वो हमारे ऊपर पछतावा भी करता है कि मैंने क्यों इसे बचाया, मैंने क्यों इसे चंगा किया, या मैंने इसको क्यों अपने पास लिया, ऐसा पछतावा भी उसको होता है। तो इसका मतलब क्या है, एक दिन कभी तो वो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ तो फटका भी मार सकता है, ये जाहिर बात है यहाँ पर। ओके, इसके लिए हमको बचने का रास्ता दिया प्रेरितों के द्वारा, वो क्या है, पहले यूहन्ना का पहले अध्याय का 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, ये हमारे लिए काम कर जाता है। अगर इस वचन को हमने मनन करके अपने मुँह में ले लिया तो ये हमारी जुबान से, हमारी आवाज़ में बार बार बोलने की वजह से हम परमेश्वर के करीब हो जाते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हम परमेश्वर का किस प्रकार से अनादर कर रहे हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है बैल समझ सकते हैं, गधा समझ सकता है, लेकिन मेरी प्रजा इज़राइल नहीं समझ सकती है। यानी हम चुने हुए लोग हैं, हम बुलाए गए लोग हैं, चाहे कुछ भी है हम परमेश्वर को इतना पूरा रीति से नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए इस वचन को एक दवाई के हिसाब से हमने बार बार अपने अंदर से कन्फेस करते रहना है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर को खींच लाता है हमारे पास। आमीन, और परमेश्वर का मन हमारे लिए सॉफ्ट बनाता है, हमारे लिए परमेश्वर को खोल देता है, हमारे लिए वो
काम करने का मनसा लेकर आ सकता है। हालेलुया। तो इसकी वजह से इस वचन को हमने बाय हार्ट करना है। आमीन। हमारे लिए ये वचन एक आधार है जो परमेश्वर के संगति में रहने के लिए बहुत काम करता है। आमीन। ये वचन को हमने बाय हार्ट करना है, ये वचन को हमने बाय हार्ट करना है। ओके। हमने मुंह जुबानी याद करना है और इस वचन को उठते बैठते चलते फिरते हर समय में हमारे अंदर से ये वचन गिड़गिड़ाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है, जानते हुए कि परमेश्वर भावनात्मक है। ओके। वो हमारे से खेदित हो सकता है, अगर मैं माफ़ी मांग लूँ तो वो मेरे साथ रहेगा। आमीन। आपको ये बात को समझ लेना है। अब देखिए यशायाह के भविष्यवाणी के 5:1 तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। 6 देखेंगे, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो देखा जाएगा तो ये सारी बातें जो है वो शारीरिक जो बातें हैं, दुख है, दर्द है, उसको बयान किया गया है। लेकिन असल में ये शरीर का दुख और दर्द बयान करने की बात नहीं है, ये आत्मा के अंदर हुई बातों को वो बता रहा है। लेकिन उसका वर्णन वो शरीर के पीड़ाओं के कैसे भाग रहते हैं वो पीड़ाओं का वर्णन करके वो बता रहा है। लेकिन ये हो कहाँ रहा है, असल में आत्मा के अंदर हो रहा है। अब जब ये आप बात पढ़ते हो तो आपको डर लगेगा सोचकर, मेरे साथ ये ऐसे हो रहा है, मेरे आत्मा की स्थिति भी ऐसी ही है, मेरे भावनात्मक इसी प्रकार के दर्द बने पड़े हैं। लेकिन ये आप अपने लिए मत लीजिए, ये बातें परमेश्वर कह रहा है इज़राइलियों के लिए कह रहा है। यहीं पर हम गलती कर लेते हैं। ये दर्द, ये जो भाग दर्द भरा लिखा गया है, इसको इज़राइल के विषय में वर्णन किया गया है, ये आपके और मेरे विषय में नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्रोधित हो सकता है, उसको दुख होता है, परमेश्वर भावनात्मक है, ये सीखना हम उस वचन में से देख लिए हैं। ठीक है। पिता का हृदय कैसे रहता है, उसके संतान के ऊपर उसका मन रहता है। संतान अगर उसका आदर नहीं करेगा तो वो दुखी हो जाता है, उसका वर्णन हमने देखा वो वचन में। लेकिन ये अब जब आप देख रहे 5-6 ये सारे वचन आप अपने लिए मत लीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर कह रहा है इसराइल के अवस्थाओं का वर्णन कर रहा है। वो आपकी और मेरी अवस्था नहीं है, इसके बारे में गलती नहीं करना है आपने। अब 7 देखिए, तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं, वह परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है, और सियोन की बेटी दाख के बारे में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। देखिए, इसके लिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ऐसे चक मिसलर बता रहे कि मैंने बता दिया है कि ये जो भविष्यद्वक्ता है इसके 2 टारगेट हैं, एक यहूदा और यरूशलेम। ठीक है। वो जो भी बात कर रहा है वो एक तो यहूदा के लिए है और दूसरा यरूशलेम के लिए है। उसने बात करना शुरू कर दिया तो हमको पहले समझ में आना चाहिए इस पुस्तक के अंदर इज़राइल राष्ट्र 2 में बांटा गया है। तो आपको समझ में आना चाहिए एक इज़राइल घराना है और दूसरा जो है यहूदा घराना है। तो अब आपको यहाँ समझ में आना चाहिए ये जो अवस्था यहाँ पर वर्णन किए जा रहे, ये अवस्था वास्तविक में ये यहूदा और यरूशलेम को देखकर हो रही है। और यहाँ पर आपको बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया है इज़राइल जो परमेश्वर का प्रजा है,
उसके लिए ये अवस्था बोली गई है। समझ में आया? तो इज़राइल, ये जो परमेश्वर का प्रजा है, इसको ये अवस्था में, वास्तविक में वो वैसे अवस्था से होकर, प्रैक्टिकली फिजिकली वो वैसे अवस्था में होकर जा रहा है और परमेश्वर उसको देख रहा है और उसका वर्णन कर रहा है। ये अपने आप के लिए मत लीजिए ऐसी बातों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं सियोन के बारे में 8 अध्याय में, और सियोन की बेटी, सियोन की बेटी यानी ये यरूशलेम के बारे में कह रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यरूशलेम जो है वो नाम यरूशलेम ही नहीं लिया है सब जगह में, यरूशलेम की जगह में अलग अलग नामों का उपयोग किया गया है। ये एक नाम आपको मिल जाता है सियोन की बेटी, ये सियोन की बेटी जो है यरूशलेम को बताया गया है, यरूशलेम की जगह में सियोन की बेटी ये नाम लिखा गया है। अगर यरूशलेम के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसको 40 बार बंधुआई में डाला गया है, उसको यरूशलेम को 32 बार उसको नाश भी किया है, ठीक है। और ऐसे 4 बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं उस युद्ध के दौरान, जिसके अंदर ज़मीन के टुकड़े ऐसे हो गए जो घटती जाती है ज़मीन, वो घटती ही जा रही है। कितनी बार वो दोबारा वो लोग अपना ज़मीन को लेते हैं, लेकिन दोबारा वो उनके बैरी जो है उस ज़मीन को दोबारा से छीनते जाते हैं, उसको दूर करते जाते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हुए जाते हैं। ये ज़मीन जो है उत्पत्ति के 15 अध्याय और उत्पत्ति के 12 अध्याय में आपको सीधे देखने को मिलता है किस प्रकार से ये ज़मीन का भाग था। लेकिन यहाँ अब देखेंगे तो ये युद्ध के अंदर ये इज़राइल का ज़मीन हर बार घटाया जाता है, टूटा जाता है, छीन लिया जाता है। अब अगर इसके अंदर आप देखेंगे वर्णन किया गया है तो आपको बहुत अचंभित लगेगा ये क्या लिखा है। यहाँ पर यहाँ लिखा है 8 वचन में, दाख की बारी में के झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। ये पूरे यरूशलेम के ज़मीन के बारे में लिखा गया है, जो यरूशलेमी ज़मीन के ऊपर रह रहे उनके अवस्था, उस ज़मीन की अवस्था किस प्रकार से बंधुआई में पड़ी हुई है उसके बारे में लिखा गया है। लेकिन देखिए, जब परमेश्वर उसके प्रजा के बारे में, इसराइल प्रजा के बारे में बता रहा था किस प्रकार से बैलों का और गधों का इस्तेमाल किया उसने एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर भी वो एग्जाम्पल के लिए दाख की बारी का इस्तेमाल कर रहा है। दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। तो इस प्रकार से आपको वर्णन को समझना है। ये वर्णन आप अगर समझेंगे तो आपको आसानी होगा, हो जाएगी कि ये भविष्यद्वक्ता कह क्या रहा है। वो वर्णन इस प्रकार का दे रहा है ताकि उसके अनुसार आपको समझ में आए कि अभी की अवस्था यरूशलेम की कैसी हो रही है। 9 वचन हम पढ़ेंगे, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। अब देखिए, यहाँ पर आपको जब परमेश्वर बात कर रहा था तब कैसा बात कर रहा था आपने देखा 3 वचन में, यहाँ पर 2 वचन से देखिए, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, ठीक है। तो यहोवा जब कह रहा था आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन 9 वचन में देखिए, यहोवा यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों के को, मतलब यहाँ पर अब यहोवा नहीं कह रहा है, यहाँ पर अब ये यरूशलेम कह रहा है, ये खुद यरूशलेम की भाषा में कह रहा है, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। तो आपको भाषा कैसी बदल गई देखने को मिलता है। शुरुआत यहोवा ने किया था, लेकिन अब
वही भविष्यद्वक्ता के मुंह से अब यरूशलेम बात कर रहा है। अब हम जाएंगे रोमियो के पत्री 9 अध्याय के 29 वचन में। रोमियो के पत्री 9 अध्याय का 29 वचन, जैसा यशाया ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। आपने देखा यहाँ पर पौलुस इस बात को लिख रहा है रोमियो के पत्री 9 अध्याय के 29 वचन में, जैसा यशाया ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। अब सवाल ये होता है कि आज के समय में सदोम कहाँ है और गमोरा कहाँ है, फिर ये पौलुस ने उस बात को क्यों लिया उसके बात करने में। अब अगर आप प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय के 8 वचन में पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा यरूशलेम को वो सदोम गमोरा के समान बोल रहा है। यरूशलेम ये जगह जो है वो सदोम गमोरा के नाम से पुकारा जा रहा है। देखिए आप प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे, उसके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और एक बार देखिए, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम, आत्मिक रूप से सदोम। आपको यहाँ पर समझ में आता है यरूशलेम के बारे में ये कहा जा रहा है, आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, यरूशलेम के बाहर नहीं, ठीक है। तो ये यरूशलेम के अंदर की बात कर रहा है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था उसके बारे में लिखा है कि वो सदोम और मिस्र, आत्मा के अंदर वो सदोम और मिस्र है। यहाँ पर जो यरूशलेम है वो उसके अंदर एक नया मंदिर बांधने के बारे में चर्चा हो रही है वचन के अंदर से, और उस समय ये बात को बोला गया है। तो जब हम प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय को 8 वचन में पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग जल्दी से ये सोचेगा कि शायद से वो सदोम की बात कर रहा है, वो मिस्र देश की बात कर रहा है। लेकिन इसके लिए देखिए, प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला ये अपने दिमाग के अंदर जानते हुए लिख रहा है कि आपको पता है सदोम कहाँ है, ओके। और उसके बाद उसने सदोम का वर्णन भी बताया जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। तो यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, तो ये लिखने वाला जो है वो बोल रहा है कि ये सदोम की बात जो हो रही है वो यरूशलेम की बात हो रही है। यरूशलेम आत्मिक रूप में यरूशलेम, ठीक है। अब हम जाएंगे यशया के भविष्यवाणी के पहले अध्याय के 10 वचन से पढ़ेंगे, हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो, हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता है होता। तो अब यहाँ पे आपको यशया बात कर रहा है, ठीक है, यहोवा का वचन सुना रहा है। लेकिन 9 वचन में ये यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से, यहाँ पर यहोवा बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर यशया यरूशलेम की ओर से बात कर रहा है, ठीक है। तो यरूशलेम को यहाँ पर 10 वचन में देखो यहोवा क्या जवाब दे रहा है। तो 9 वचन में यरूशलेम ने बोला, लेकिन 10 वचन में परमेश्वर यरूशलेम को जवाब दे रहा है। लेकिन यहाँ पर यरूशलेम नाम नहीं दिया, यहाँ पर क्या नाम दिया, हे सदोम, यानी यरूशलेम को वो जवाब दे रहा है, ओके। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो, हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर को की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं?
मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। ये बलिदान के बारे में आप उत्पत्ति के 19 अध्याय में देख सकते हैं। जिस प्रकार की मेल बलि के बारे में वर्णन किया है, उत्पत्ति के 19 अध्याय में आपको इसको पढ़ने को मिलेगा। अभी हम यशया की भविष्यवाणी का आगे का वचन पढ़ते हैं, 11 वचन से आगे पढ़ते हैं। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। अगर इन बलिदानों के बारे में आपको और अच्छे से जानना है तो लेवियों की पुस्तक जो है लेवीय व्यवस्था, उसमें आपको या तोरा जो 5 किताब है, उन सारे पुस्तकों में आपको उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक आपको ये सारे बलिदान के बारे में जानने को मिलता है। तो अब यशया जो है वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है कि हम मतलब यरूशलेम के ऊपर अटैक कर रहा है कि वो इतना देखो उसके अंदर का अधिकार, पद का अधिकार जो है उसको जो परमेश्वर ने ओहदा दिया है, दर्जा दिया है, वो एकदम उस अधिकार की वाणी के अंदर से बात कर रहा है और वो यरूशलेम को उन सारे कामों के बारे में बोल रहा है। जो भी तू कर रहा है वो सिर्फ एक नामधारी काम है, उसके अंदर परमेश्वर खुश नहीं है। ओके, तो वो यरूशलेम को बोल रहा है तो उसके द्वारा परमेश्वर को रिझा नहीं सकता है, मना नहीं सकता है, उससे उकता गया है परमेश्वर। तो ये बातें जब हम पढ़ते हैं तो हमने अपने आप को नहीं लेना है इस वचन के द्वारा। ये यरूशलेम को बोल रहा है, ये यशया भविष्यद्वक्ता अपने मुँह से जवाब दे रहा है परमेश्वर यरूशलेम को क्या कहना चाहता है उसके बारे में, जो नैवे व्यवस्था में या पूरे उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक जो परमेश्वर ने रीति रिवाज पालन करने के लिए कहा है उसके बारे में बोल रहा है। ओके, तो आप अपने ऊपर नहीं ले लेना है, ये उसके बारे में बोल रहा है क्योंकि यरूशलेम ये सब को पालन करता था, वो अपने दोष में से मुक्त रहता था, इसके लिए तो वो 112 साल तक बना रहा, लेकिन इज़राइल का घराना बना नहीं रहा, उसके ऊपर अश्शूरियों ने चढ़ाई कर लिया। ठीक है, तो इसलिए परमेश्वर वो याद दिला रहा है कि देख तू बना तो रहेगा लेकिन तेरे काम जो है तू किस कारण से बना रहता है, तेरे जो धार्मिक काम है, जो रीति रिवाजों के काम मैंने सौंपे हैं वो तू बहुत अच्छे से कर रहा है, विश्वास योग्यता से कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे उससे भी मैं उकता गया हूँ। ओके, तो परमेश्वर जवाब दे रहा है और आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि यरूशलेम कैसे अपने अंदर की विश्वास योग्यता को ध्यान रखता था। 9 वचन में बहुत अच्छे से उसने अपने आप के बारे में बोला, क्या बोला, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। ठीक है, अगर ये थोड़े लोग बचे ना रहते तो इनके बीच में ये सदोम ही कहलाए जाते थे। ठीक है, इसका मतलब वो अपनी पहचान ही खो दिए होते, लेकिन परमेश्वर की ये दया थी कि उस बीच में सदोम उनके ऊपर प्रबल नहीं रहा, वो यरूशलेम बने रहे क्योंकि उनका वंश कहीं ना कहीं तो जागृत रखा परमेश्वर ने। ओके, लेकिन आप देखते हैं प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय के 8 वचन में क्लियरली बोला है लिखने वाले ने सदोम, यानी उसने उसकी पहचान भी दी है, उसने पहचान ये दी है कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था वो सदोम, समझ में आया, तो वो सदोम नहीं था, वो तो यीशु मसीह तो यरूशलेम के अंदर चढ़ाया गया था क्रूस के ऊपर, तो इसका मतलब सदोम किसको बोला गया, यरूशलेम को बोला गया, और यरूशलेम भी वही बोल रहा है कि ठीक है जो भी हो रहा है लेकिन कम से कम इतना तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम पूरी तरह से नाश नहीं हो गए। ओके, कुछ तो हमारे नाम का चिन्ह तूने बनाए रखा है। ओके, तो यहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि हे सदोम, यानी यरूशलेम को बोल रहा है वो, हे सदोम
के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो, हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं। मैं तो मेड़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ों के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुँह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाँव से रौंदे। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। हम आगे पढ़ेंगे 12 वचन। तुम अब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाँव से रौंदे। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें परमेश्वर यशया के द्वारा यरूशलेम को कह रहा है। ठीक है, ये आप अपने लिए नहीं लेना है। इन सारे जो दोष भावना परमेश्वर दे रहा है, वो यरूशलेम को दे रहा है। ओके, 16 वचन। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। ये जो भाग है, ये आपको पौलुस की पत्रियों में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप प्रकाशित वाक्य में जाओगे, तो पहले जो दूसरे और तीसरे अध्याय में आप देखेंगे, 7 कलसियाओं के बारे में लिखा गया है, और वो स्वर्गदूत 7 कलसियाओं के बारे में आखिरी में एक विशेष बात बोलता है। ये 7 कलसियाओं के अंदर आप देखेंगे कि उनके कुछ कुछ चीज़ें हैं जो परमेश्वर उसके बारे में दोष भी लगाता है और उनकी प्रशंसा भी कर रहा है। ठीक है, और अंत में उनके लिए कुछ बात रिवॉर्ड में कह रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना चाहिए, ताकि हम समझ सकेंगे कि हमारे लिए परमेश्वर 7 कलसिया के अंदर से क्या कह रहा है। ये बात जो आप देख रहे हैं 16 वचन में जो देख रहे हैं, ये पौलुस भी बोलता है। ओके, ये पौलुस ने कहाँ से लिया है ये सब बात? उसने यशिया में से लिया है। क्या है ये? अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवाने रंग के हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यही बात यूहन्ना के पहला यूहन्ना का पत्री जो है, उसके पहले अध्याय के 9 वचन में इसी आधार से वो वचन हमारे ऊपर जो नया नियम के अंदर है, वो हमारे लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। अब ये जो तलवार से मारे जाओगे,
और उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, ये इस देश के उत्तम उत्तम, ये जो लिखा है ये प्रैक्टिकली वास्तविक में यरूशलेम जगह के लिए दिया गया है। ओके, यरूशलेम अगर इस बात को नहीं मानता है तो उसके लिए ये पनिशमेंट रखा गया है और ये पनिशमेंट हो चुका है, हो चुकी बात है ये। ओके, उसके ऊपर आक्रमण करने वाले परमेश्वर ने अश्शूरियों को भी भेजा था और उसके बाद बबिलोन को भी भेजा था। ओके, तो इसके लिए ये पनिशमेंट का विषय आपके लिए नहीं है, इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ये यरूशलेम के लिए बोला गया है। पतित नगरी, जो नगरी सती साध्वी थी वह कैसी व्यभिचारिणी हो गई, वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। ये यरूशलेम के लिए आपको समझ में आना चाहिए, यशया का फोकस जो है यहूदा के ऊपर और यरूशलेम के ऊपर है। इसके लिए जब पौलुस पत्रस ये लोग सुसमाचार को फैला रहे थे तो लोगों को जो वो काउंसलिंग करते थे, तसल्ली देते थे, तो तसल्ली के वचनों को वो निकाल कर उनको बताते थे, लेकिन ये तलवार वगैरह चलाने वाली बातें हैं ये उनको नहीं सिखाया उन्होंने, लेकिन ये उनको पता था ये उनके लिए नहीं है, ये परमेश्वर ने यशया भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो लिखा गया है वो उस यहूदा और यरूशलेम के लिए, तो उसके लिए अन्य जातियों के लिए उसने कभी भी ये वचन का प्रचार नहीं किया, ऐसे तलवार वाले बलवा करने वाले ऐसे वचनों का उसने उपयोग नहीं किया। लेकिन जो चरित्र को बनाने वाले वचन है, जो अनुग्रह परमेश्वर दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे पाप माफ़ कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ, ये बातें उन प्रेरितों ने सारे अन्य जातियों तक पहुँचाया है। इसके लिए ये ऐसे प्रकार के जो वचन, जो पनिशमेंट के वचन हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। यशया किसको कह रहा है, वो यरूशलेम को कह रहा है और उसका फोकस यहूदा और यरूशलेम है। यही बात को पौलुस समझा रहा था कि सब कुछ जो होता है वो अनुग्रह से होता है, कर्मों से हमारी धार्मिकता को बयान नहीं कर सकते हैं, हमारे कर्मों से हम अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते। ये बात पुराने नियम में यरूशलेम के लिए भी यशया भविष्यद्वक्ता बोल दिया कि तुम्हारे कर्मों से, ओके, रीति रिवाज पालन करने से, व्यवस्था का पालन करने की वजह से तुम परमेश्वर के प्रिय नहीं बन सकते हो, परमेश्वर उकता गया है उन सारी बातों से। इसके लिए पौलुस भी यही कहता है कि तुम अपने चरित्र के द्वारा, धर्म निभाने के द्वारा नहीं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम बचाए जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सब कुछ कर पाते हैं, हम अपनी ताकत अपने बल से परमेश्वर को रिझा नहीं सकते हैं, मना नहीं सकते हैं, खुश नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर खुश होता है जब हम उसके सामने अपने पापों को अंगीकार करके उसके समझ को लेते हैं, परमेश्वर के समझ को अपने अंदर लेते हैं, उसी को पश्चाताप कहा जाता है। परमेश्वर का समझ क्या है हमारे लिए वो हम ग्रहण करते हैं, वो हमारे बारे में क्या कहता है उसको हम ग्रहण करते हैं, उसको हम याद रखते हैं और उस याद में हमारा जीवन जब हम चलने लगते हैं तो परमेश्वर हमारे से प्रसन्न रहता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जब पुराना नियम खोलते हैं तो ये सब बातें करते हैं, वो कि ये तलवार से मारा जाएगा, वो उठाया जाएगा, ये गिराया जाएगा, ये सारी बातें यरूशलेम में हो चुकी बातें हैं, अब उसको उठा उठा कर बोलने में कोई मतलब नहीं है, ये बीत गया समय में, ओके, और उसका समय की बात भी बता दिया है कि वो कौन से दौर का समय था, उस दौर में ये हो चुकी बात है, समझ में आया। तो इसके लिए हाँ कुछ बातें हैं इसके अंदर जो अभी होने वाली है, आने वाले समय के लिए है, वहाँ का वचन अलग है, वो तरह के वचन अलग है, लेकिन ये यहूदा और यरूशलेम के लिए बोला गया है, जो होने वाली बातें हैं वो भी यहूदा और यरूशलेम का ही फोकस रख कर बोला जाएगा, इस प्रकार का ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप कभी भी डरना नहीं, जब किसी प्रकार के वचन आपको पुराने नियम में से बताए जाते हैं, देखो इसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपका
नहीं, ये तो व्यवस्था के अंदर है। और परमेश्वर बोलता है मैं उकता गया हूँ व्यवस्था को देख देख के। ओके, इसके लिए उसने कौन सा रास्ता निकाला? तुम खुद आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको माफ करने को तैयार हूँ, और मेरी समझ को तुम ग्रहण करो। मेरी समझ क्या है? मैं तुमको अपने संतान मानता हूँ, मैं तुमको अपने अधिकार दिए हूँ, मैं तुमको पापों की माफ़ी दे चुका हूँ। मेरी समझ को तुम लो, ताकि तुम वो समझ के कारण सर्वाइव कर सकोगे। हाँ, ये न्याय के पुस्तकों को लेकर तुम सर्वाइव नहीं कर सकते हो, ये बोझ बन जाएगा तुम्हारे ऊपर। उसके बदले में तुम सर्वाइव किस वचन से कर सकते हो? उन वचनों को मेरे से लो, वो अनुग्रह है तुम्हारे लिए। उसी को अनुग्रह कहा परमेश्वर ने, तुम मेरी समझ को ले लो। समझ में आ गया? तो हमको यशया की भविष्यवाणी में हमारे लाइफ को बनाने वाले वचनों को लेना है, लेकिन जो तोड़ने वाले वचन है वो हम समझ जाना है। ये किसको कह रहा है? वो यहूदा और यरूशलेम के बारे में कह रहा है। अब हम वो वचन को देखेंगे जो 21-22 वचन में है, जो नगरी सती साध्वी थी। अब ये जो वचन बोला जा रहा है, जो नगरी सती साध्वी थी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, या तो ये यरूशलेम के लिए बोल रहा होगा या फिर इसराइल के लिए बोल रहा होगा, ठीक है। वह कैसे व्यभिचारिन हो गई? ये नगरी कौन सी नगरी है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये यरूशलेम के लिए भी हो सकता है या फिर इसराइल के लिए भी हो सकता है। समझ में आया? तो इस नगरी के बारे में बता रहा है वो, आपके बारे में नहीं बोल रहा है ये, और किसी इंसान के बारे में नहीं बोल रहा है, ये जगह के बारे में बता रहा है कि ये नगरी के रहने वाले यरूशलेमी जो है ये कैसे बन गई है। ये सती साध्वी थी, लेकिन अभी वो कैसे है? व्यभिचारिणी हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाखमधुओं में पानी मिल गया है, तेरे हकीम हठीले और चोरों से मिले हैं, वे सबके सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। वे अनाथ का न्याय नहीं करते और नव विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। इस कारण प्रभु सेनाओं की यहोवा, इसराइल के शक्तिमान की यह वाणी है, सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा। मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर करूंगा। मैं तुम में पहले के समान न्यायी और आदिकाल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। उसके बाद तू धर्म पूरी और विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना है कि एक विशेष नाम यहाँ पर व्यभिचारिन कहा गया है। ओके, ये व्यभिचारिन जो है एक विशेष प्रकार से इसराइल को कहा गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो होशे जो है, होशे, ओके, उसके उसमें ये लिखा हुआ है कि यहोवा की पत्नी व्यभिचारिन हो गई है, ऐसा लिखा है उसके अंदर, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो निर्गमन की पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा, निर्गमन की पुस्तक के 34 अध्याय के 15 वचन हम पढ़ेंगे उसे। यहोवा, निर्गमन का 34 अध्याय का 15, ऐसा न हो कि तो उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और ये अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे और उनके लिए बलिदान भी करे, और कोई तुझे नेवता दे और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए। तो यहाँ पे आपको व्यभिचार का महत्व बताया गया है। ये जो चीज़ है, वाचा का दोहराया जाना, ये इसराइल को दिया गया था ये वाचा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 15 वचन में दिया है, ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे। तो व्यभिचार का रूट कहाँ पर आता है? जब पराए देवताओं के साथ वाचा बांध लेते हैं हम, जो देश के अंदर हम जाते हैं उनके वाचा में बंधे जाते हैं और उनके उनके तरह विश्वास में हम जीते हैं, ओके, उनके बलिदानों का अन्न भोजन हम करते हैं,
यहाँ पर परमेश्वर बोलता है उसके द्वारा व्यभिचार आ जाता है, ओके, वो उनके पीछे आपको लेकर जाते हैं, तब आपका व्यभिचार शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इज़राइल लोगों ने ये काम कर रखे थे, तभी उसको व्यभिचारी कहा गया था। अब दूसरी बार इज़राइल को व्यभिचारी कहा गया, हम देखेंगे उसको होशेया के 1:2 में। होशेया का पहला अध्याय, उसका दूसरा वचन, जब यहोवा ने होशेया के द्वारा पहले पहल बातें की, तब उसने होशेया से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। अतः उसने, ओके, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं आप होशे जो है उसकी पत्नी वेश्या थी, और उसका कारण क्या दिया, क्योंकि इज़राइल जो वहाँ के लोग थे, यहाँ पे भी देखिए यहूदा के राजा उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में, और इज़राइल के राजा योआश के पुत्र यरोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुँचा। दोबारा यहूदा और इज़राइल के बीच में ये बातें छेड़ी गई हैं, ठीक है। तो ये व्यभिचारी का काम कैसे आ गया यहूदा और इसराइलियों के बीच में, क्योंकि उन्होंने यहोवा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं के पीछे उन्होंने अपने जाना शुरू कर दिया और वहाँ उनका भ्रष्ट होना शुरू हो चुका, ठीक है। तो उस देश की गलती थी कि उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, वो देश के गलती के कारण वो देश व्यभिचारी बन गया, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए व्यभिचारी परमेश्वर यरूशलेम और इसराइल को बोल रहा है, वो आपको नहीं बोल रहा है, आप गलती से उसको अपने ऊपर नहीं लेना है। और एक बार हम देखेंगे यशया के भविष्यवाणी के 50:1, उसमें भी यही बात को लिखा गया है कि इसराइल या फिर यहूदा दोनों में से कोई भी चलेगा तो इनके बीच में ये व्यभिचारी हो चुके हैं। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है, जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था। देखिए परमेश्वर अपने आप को यरूशलेम के लिए कह रहा है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, ओके, मतलब आपको समझ में आना चाहिए ये कैसे लिखा गया है। तुम्हारी माता का त्याग पत्र, माता का त्याग पत्र, ये माता जो है ये यरूशलेम है। तो परमेश्वर अपने आप को पिता कह रहा है और यरूशलेम को माता कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, परमेश्वर का पत्नी हो गया ये यरूशलेम, समझ में आया। तो परमेश्वर के पत्नी यरूशलेम, उसको त्याग पत्र दिया परमेश्वर ने और उसे त्याग दिया, उसे त्यागते समय दिया था, या मैंने किस व्यापार के हाथ तुम्हें बेचा, यहोवा यो कहता है, सुनो तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। आपको समझ में आना चाहिए तुम्हारी माता यानी यरूशलेम के संतान कौन है, फिर समझ में आया, इज़राइल, ओके, यरूशलेम के संतान कौन है, इज़राइली, ठीक है। तो यरूशलेम को परमेश्वर बोल रहा है ये तुम्हारी माता है, ओके, इज़राइल को बोल रहा है यरूशलेम तुम्हारी माता है और परमेश्वर तुम्हारा पिता है, ओके। तो परमेश्वर बोल रहा है मैंने कब तुम्हारी माता को छोड़ दिया, यानी मैंने कब यरूशलेम को छोड़ दिया, ओके, मैंने कब उसे त्याग पत्र दिया, समझ में आया, मैंने कब उसको किसी के हाथों में, किसी के व्यापारी के हाथों में दे दिया, मैंने कब ऐसा किया यरूशलेम के साथ। लेकिन वो किसको कह रहा है, इसराइलियों को कह रहा है यरूशलेम तुम्हारी माता है और मैंने तुम्हारे माता को कब ऐसा किया है, वो खुद अपने अंदर भ्रष्ट हुई है, समझ में आ रहा है आपको। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने आप को इसराइल का पिता और अपने आप को यरूशलेम का पति, ऐसा अपने आप को वो बता रहा है। और एक बार देखेंगे यशया के भविष्यवाणी के 54:1 में, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर,
तो जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के। अब ये त्यागी हुई कौन है जिसके बारे में अध्याय 50 में हमने देखा, किसको त्याग दिया परमेश्वर ने, यरूशलेम को। ओके, तो ये अब किसको बोल रहा है ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, इसराइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि यरूशलेम को त्यागी हुई ठहराया उसने, और त्यागी हुई लड़के सुहागिन के लड़के से अधिक होंगे, यहोवा का यही वचन है। ओके, तो इस प्रकार से हमको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर व्यभिचारी किसको कह रहा है, क्या वो आपको कह रहा है, नहीं। ओके, वो यरूशलेम और यहूदा के बारे में ही भविष्यवाणी दे रहा है यशया को, और वो जब बोल रहा है तो वो उसको अपने आप को वो सामने रख के वो यरूशलेम के बारे में और यहूदा के बारे में चर्चा कर रहा है, और वो इसराइल राष्ट्र को बोल रहा है, ये यशया के अंदर से वो बात कर रहा है। ठीक है, वो आपको नहीं बोल रहा है, ये बात को आपको समझ में आना है। अब आपने 54 अध्याय में देखा कि त्यागी हुई के संतान से ज़्यादा सुहागिन के संतान से ज़्यादा त्यागी हुई के संतान ज़्यादा रहेंगी, हे बांझ बोला है। अब यहाँ पे आपको देखेंगे ना तो परमेश्वर दोनों को बोल रहा है, यरूशलेम को भी बोल रहा है और इसराइल को भी बोल रहा है। ओके, कुछ जगह है वो सिर्फ यरूशलेम को बोल रहा है, लेकिन कुछ जगह है जहाँ पर वो इसराइल को भी बोल रहा है और यरूशलेम को भी बोल रहा है। तो ये फ़र्क करना आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो हमको पहले से पता है कि परमेश्वर किसको बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। हमने देखा परमेश्वर का टारगेट क्या था, यहूदा और यरूशलेम को बोलना, और उसने बोलने की स्थिति शुरुआत कहाँ से की, इसराइल के घराना और यहूदा के घराना इसके बारे में, उत्तर और दक्षिण घराने के बारे में स्टार्ट किया। और जब उसने स्टार्ट किया तो हमने देखा कि वो यरूशलेम को बोल रहा था, फिर 9 वचन में आके हमने देखा कि यरूशलेम ने अब बोलना स्टार्ट किया, फिर परमेश्वर ने यरूशलेम को जवाब देना स्टार्ट किया। यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे तो अचानक से ये व्यभिचार के बारे में आ गया। ओके, तो इस जगह में ठोकर नहीं खाना है, यह व्यभिचार के बारे में जो बोल रहा है परमेश्वर, यहाँ पे आपको इसके जुड़े हुए वचन मैंने पढ़ के दिखाया आपको, जो मैं आपको फिर से मुँह से बोल कर भी बताती हूँ। निर्गमन के 34 अध्याय के 15 वचन को पढ़ा हमने, होशे के 1 अध्याय के 2 वचन में पढ़ा, यशया के 50 अध्याय के 1 वचन में देखा, 54 अध्याय के 1 वचन में देखा। ये क्या दिखाया यहाँ पर, परमेश्वर व्यभिचार का अवस्था हमको नहीं बोल रहा है, वो इसराइलियों को बोल रहा है। ओके, वो यहूदा और यरूशलेम को दिमाग में रखते हुए इसराइल को ये सारी चीज़ें बोल रहा है, वो आपको और मुझे नहीं बोल रहा है। इसके बीच में परमेश्वर उसका और इसराइल का जो एक मन है उसके बारे में वो बयान कर रहा है। अगर आगे हम पढ़ेंगे 22 वचन, तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरी चांदी धातु का मैल हो गई। यहाँ पे अगर तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है, यहाँ पे ये जो धातु है, ये चांदी जो है, ये छुटकारे के लिए जो लहू बहाया जाता है, छुटकारा चाहिए, छुटकारा करना है, तो चांदी को छुटकारे के लिए बोला गया है। ठीक है, चांदी जो है वो लहू के बारे में बात करती है। ओके, जो छुटकारे के लिए बहाया जाने वाला लहू है उस लहू के बारे में बात करता है, चांदी ये जो है वो लहू के बारे में बात करता है। परमेश्वर का जो मिलाप वाला तंबू था, उसका जो जड़ था खड़ा रहने का, वो चांदी के ऊपर था, यानी वो छुटकारे का प्रतीक है, जो लहू को बताता है, जो छुटकारे के लिए लहू चाहिए उस लहू की बात चांदी से पता चलती है। ओके, और जो मिलाप वाला तंबू है वो चांदी के ऊपर खड़ा किया गया था।
इसका मतलब हम जो विश्वास करते हैं हमारे छुटकारे के बारे में, हमारी तसल्ली उस लहू के द्वारा है जो यीशु मसीह के लहू बहने से हमारा छुटकारा होता है, इसके ऊपर हमारी तसल्ली है, इसके ऊपर हमारा भरोसा है। तो हमारा विश्वास मजबूती कहाँ पर है? यीशु मसीह के लहू के ऊपर है, उसके ऊपर हम खड़े हैं। तो ये तरह से चांदी हमको फाउंडेशन देता है, छुटकारे का फाउंडेशन देता है, वो यीशु मसीह के लहू की बात उसके अंदर से दर्शाता है। क्योंकि मिलाप वाला तब्बू जो है उसका फाउंडेशन जो था, उसका बेस जो था वो चांदी का था, वो जिसके ऊपर खड़ा था वो चांदी के ऊपर खड़ा था, तो वो यीशु मसीह के लहू के ऊपर हम खड़े हैं। ठीक है, तो इसके लिए चांदी जो है वो छुटकारा और यीशु मसीह का लहू ये दर्शाता है। इसके बाद जो दाखरस है वो पानी में मिल चुका है, ये जो दिखाता है ये एक प्रकार का जो क्या कहते हैं जो पवित्रता है, शुद्धता है, ओके, वो मिलावटी बन गई, वो नकली बन गई, अब वो उसकी असलियत बाकी नहीं रही, वो नकली रूप में हो गई। जैसे परमेश्वर ने बोला ना कि ये सारे जो व्यवस्था तुम पालन करते हो मैं उससे उकता गया हूँ, तो अब वो काम नहीं कर रही है, वो मिलावट हो चुका है, उसके अंदर अभी उतना वो पावर नहीं है जो परमेश्वर को रिझा सकता था, परमेश्वर को मना सकता था, वो पावर अब उसमें नहीं है। अब उसके आगे बढ़ेंगे 24 वचन से, इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा इसराइल के शक्तिमान की यह वाणी है, सुनो मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा, मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर करूंगा, मैं तुमसे पहले के समान न्यायी और आदिकाल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा, उसके बाद तो धर्मपुरी और विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी सियोन न्याय के द्वारा, और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे, परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा, और जिन्होंने यहोवा के को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा, क्योंकि जिन बांज वृक्षों से तुम प्रीति रखते थे उनसे वे लज्जित होंगे, और जिन बारियों से तुम प्रसन्न रहते थे उनके कारण तुम्हारे मुंह काले होंगे, क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांज वृक्ष के और बिना जल की बारी के समान हो जाओगे, बलवान तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा और दोनों एक साथ जलेंगे और कोई बुझाने वाला ना होगा। अब यहाँ पर आपको 24 वचन में देखिए, इस कारण प्रभु एक नाम है, ठीक है, दूसरा नाम है सेनाओं का यहोवा, ठीक है, और तीसरा नाम है इज़राइल के शक्तिमान। आपको समझ में आया, ये 24 वचन में तीन नामों का उपयोग किया गया है, एक प्रभु, दूसरा सेनाओं के यहोवा, तीसरा इज़राइल के शक्तिमान, ये त्रिएक परमेश्वर का नाम है। अब आप उत्पत्ति में पहले अध्याय के 26 वचन में भी देखेंगे, वहाँ पर परमेश्वर ने बोला कि हम एक मनुष्य को बनाएंगे, है ना, वहाँ पर भी त्रिएक का वहाँ पर आपको संबंध मिलता है कि ये एक त्रिएक के बारे में बोला गया है। हम देखेंगे उसे उत्पत्ति का एक अध्याय का 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य की को अपने स्वरूप के अनुसार, यानी हम बोला, हम मतलब वो अकेला नहीं था, फिर परमेश्वर ने कहा, यानी परमेश्वर जब बोल रहा था तो उसने बोला, परमेश्वर ने बोलना स्टार्ट किया, अब उसमें से किसने बोला वो नहीं पता, क्या वो प्रभु ने बोला, क्या वो सेनाओं के यहोवा ने बोला, या फिर वो इज़राइल के शक्तिमान ने बोला, किसने बोला हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो बोला तब वो क्या बोला, वो बोला हम, यानी उसने अपने साथ में जो है उनको मिलाकर उसने बोला हम मिलकर बना रहे, ये उसका मतलब बन जाता है। तो यहाँ आपको 24 वचन में ये हम के तीन भाग आपको देखने को मिलते हैं, एक तो वो प्रभु है, दूसरा सेनाओं का यहोवा है, और तीसरा इज़राइलियों का शक्तिमान। अब 29 वचन में खास करके ध्यान दीजिए, क्योंकि जिन बांज वृक्षों से,
ओके, तो प्रीति रखते थे, उनसे वे लज्जित होंगे और जिन बारियों से, ये दो शब्दों को आपको ध्यान रखना, बांज वृक्ष जो है और जो बारियों बारियां हैं, ठीक है, जिन बारियों से तुम प्रसन्न रहते थे उनके कारण तुम्हारे मुंह काले होंगे। ये दो चीज़ों के बारे में परमेश्वर ने बाकी दूसरे वचनों में भी बोला है, बांज वृक्ष और बारियों के बारे में, ठीक है। ये वृक्षों के बारे में परमेश्वर ने बहुत खास चीज़ें बोली है और बारियों के बारे में भी बोली है, हम देखेंगे उसको दूसरे राजाओं की पुस्तक 16:4। दूसरे राजाओं की पुस्तक 16:4, वह ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे बलि चढ़ाया और धूप जलाया करते थे, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, परमेश्वर बहुत खास तरीके से वृक्षों का बात बता रहा है। और यहाँ पे भी आपने 29 में क्या देखा, क्योंकि जिन बांज वृक्षों से तुम प्रीति रखते थे, यानी ये अन्य जातियों के पास इसका पावर है, इसके बारे में स्पिरिचुअलिटी है, जो परमेश्वर इसराइलियों को उसके अंदर कुछ भी परमेश्वर के लिए करने नहीं देना चाहता था, परमेश्वर उससे उनको अलग होने के लिए कह रहा था, ठीक है। क्या था वो, 16:4, वह ऊंचे स्थानों में, ओके, तो ये वृक्ष कहाँ पर थे, ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और एक बार देखेंगे होशे के 4:13 में देखेंगे, होशे 4:13, बांज, यहाँ पर दोबारा शब्द आ गया, बांज चिनार और छोटे बांज वृक्षों की छाया अच्छी होती है, इसलिए वे उनके नीचे और पहाड़ों की चोटियों पर यज्ञ करते और टीलों पर धूप जलाते थे। ये स्पिरिचुअलिटी है, यह आत्मिकता है, अन्य जातियों का एक विशेष स्थान है, ओके। तो इसके लिए परमेश्वर कहता था उनके बीच में से मेरे पास कुछ मत लेकर आओ, ठीक है। वो ऊंचे स्थानों के यज्ञ करने वाले, ऊंचे स्थानों के पूजन करने वाले, ऐसे जो जगह है उससे परमेश्वर घृणा रखता था, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा एक बांज का शब्द आपको देखने को मिला। और एक बार देखेंगे यिर्मयाह के 2:20 में देखेंगे, यिर्मयाह 2:20, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा न करूंगी, और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारिणी का सा काम कर दिया। अब दोबारा पेड़ों का यहाँ पर सवाल आ गया, परमेश्वर वृक्षों के अंदर, बांज के वृक्ष, ऊंचे ऊंचे स्थान और पेड़ों के नीचे यज्ञ करना, ये सारे अन्य जातियों का चाल चलन इसराइलियों से अलग करने के लिए कह रहा था। 3 में देखेंगे 6-13 में, यिर्मयाह के 3:6-13, उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भाई को पकड़कर कहेगा, यिर्मयाह 3:6 से, फिर यशया राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, क्या तूने देखा कि भटकने वाले इसराइल ने क्या किया है, उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जा जाकर व्यभिचार किया है। तब मैंने सोचा जब ये सब काम वह कर चुके तब मेरी ओर फिरेगी, परंतु वह न फिरी और उसके विश्वासघाती बहिन यहूदा ने यह देखा। फिर मैंने देखा जब मैंने भटकने वाली इसराइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया। देखिए यहाँ पर आपको परमेश्वर किसको अपनी पत्नी कह रहा है आपको दिखाई देगा, 8। फिर मैंने देखा जब मैंने भटकने वाले इसराइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर
उसे त्याग पत्र दिया। अब समझ में आया, परमेश्वर इज़राइल को अपनी पत्नी कह रहा है, ठीक है। तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारी बन गई। इसके लिए आपने यशया में जो पढ़ा था, त्यागी हुई के संतान ज्यादा रहेंगे, किससे ज्यादा, जो सुहागिन है उससे ज्यादा। तो ये इज़राइल और यहूदा के बारे में था, ठीक है। उसके निर्लज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया। उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया। इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कपट से यहोवा की यहवानी हो। यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इसराइल विश्वासघाती यहूदा से कम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बात प्रचार कर। अब ये उत्तर दिशा कौन सा है? जो इसराइल का घराना है। यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इसराइल, लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूँगा। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना, यहोवा की यही वाणी है। तो हम जो देखते हैं, इज़राइल को परमेश्वर ने त्याग पत्र क्यों दिया था और उसके बाद उसको परमेश्वर दोबारा अपने पास बुलाने का रास्ता कैसा था, तो हमने देखा कि परमेश्वर कहता है, तू आकर मेरे साथ वाद विवाद कर, तेरी बातों को मेरे साथ तू बात कर और मेरी समझ को तू अपने अंदर ले, तो मैं तेरे जो पाप लाल खून के रंग के दाग समान रहेंगे उसको मैं हिम के समान तुझे शुभ्र कर दूंगा, मिटा दूंगा तेरे पापों को, ओके। तो इज़राइल के लिए जो रास्ता है वही हमारे लिए भी है, ओके। हमने परमेश्वर के समझ को अपने अंदर लेना है। हमारी समझ जब परमेश्वर के बातों को अपने अंदर विश्वास में लेकर जिएगी, तब हम परमेश्वर चाहता है उस प्रकार के पवित्र जाति में हो जाते हैं, उस प्रकार के शालचरण में आ जाते हैं, जो परमेश्वर का काम हमारे लाइफ में पुनः शुरू हो जाता है। जब तक हमारी समझ के अंदर परमेश्वर का वचन, जो वो हमारे बारे में कहता है, उन्हीं बातों को जब तक हम अपने अंदर नहीं स्वीकार देते हैं, तब तक हमारा लाइफ सर्वाइव होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो परमेश्वर देखो ये सर्वाइव करने का रास्ता हमको देता है। अगर भटक भी जाते हो तो भी परमेश्वर कहता है तुम दोबारा लौट कर आ जाओ। लौट कर आने से क्या हो जाएगा, तुमको मेरी समझ दूंगा मैं। जब समझ तुम्हारे अंदर आ जाएगी फिर तुम्हारा सर्वाइवल पॉसिबल होगा, नहीं तो तुम्हारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल रहेगा, ओके। तो इसके लिए परमेश्वर हमको कौन सा रास्ता दिया, पश्चाताप हृदय के साथ परमेश्वर के पास अपने पापों को मान लो। तो हम बोलते हैं हम क्या पापों को माने, कौन सा पाप हमने किया है, तो ये क्या पाप हमको मान लेना है कि इस प्रकार का पाप जो परमेश्वर नहीं चाहता है वो बातों को हमने किया है, ओके। इज़राइल को वो बोलता है तूने ऐसे ऐसे काम किया, जो ऊंचे ऊंचे टीलों पर गई, पहाड़ों पर गई, पेड़ों के नीचे यज्ञ चढ़ाया, बलिदान किए, उन बातों का तू अब पश्चाताप कर ताकि मैं तुझे उन सारे शक्तियों से छुड़ा सकता हूँ। तो जो इज़राइल को बोला वही हमको भी वो बोलता है, ओके। उसके पास आने का रास्ता हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से इज़राइल को परमेश्वर अपने पास दोबारा लेने को तैयार है, पश्चतापी हृदय से आने से। और क्या पश्चाताप करना है, जो पुराने देवी देवताओं के पास से हमने कुछ भी किया कराया है, हमको याद नहीं पीढ़ियों के अंदर हमने कुछ किया कराया, कैसा भी होगा, तो हमने परमेश्वर को बोलना है उसके लिए तो हमको माफ़ कर। अब परमेश्वर उसके समझ जो हमको दे रहा है हम उसे स्वीकार दे। उसके समझ क्या है, हम नया सृष्टि बन गए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे हुए हैं, परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, हमारे पाप अपराध माफ हो चुके हैं, हमें परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में लिया गया है। हम ये समझ को जब धारण करके जीवन जीने शुरू करते हैं, हमारा सर्वाइवल स्टार्ट हो जाता है, हमारा जीने का तरीका बन जाता है और हम जीने की ताकत को परमेश्वर से प्राप्त करने लगते हैं। आमीन। तो ये तरह से हमको यशया को सीखना है। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों ये सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस तरह से हमारे दिमाग के अंदर क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, अगर इसका फर्क नहीं मालूम है तो हमको पुराने नियम का फायदा लेना नहीं आएगा। आमीन।
हमको पुराने नियम के इतने इतने सारे परमेश्वर के रहस्य भेद उसी में से निकाल कर नया नियम में इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमको उसका फायदा लेने नहीं आता है। कैसे उसका फायदा ले वही समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब ऐसे व्यभिचारी नहीं बोला जाता है, इस प्रकार से कुछ भी शब्द यूज किए जाते हैं तो हम ठोकर खा लेते हैं और हमको उसी में जख्म हो जाती है। माय गॉड, अब मेरा क्या हो जाएगा, ये तो परमेश्वर ऐसा कह रहा है, हाँ मेरे लाइफ में भी ऐसा ही है, अब क्या हो जाएगा। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए वो आपको नहीं कह रहा है, वो यरूशलेम और इसराइल के बारे में कह रहा है। हालेलुया। और बाकी उनके तरीके देखो, उनको परमेश्वर रिटर्न लाने के लिए कैसा रास्ता दे रहा है, वो सेम रास्ता हमारे लिए भी है। ओके, उनको बुलाने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, सेम रास्ता आज हम सुसमाचार में फैला रहे हैं। ओके, हम परमेश्वर के पास लोगों को आने का यही रास्ता देते हैं, उनके समझ के अंदर उनकी बनाई हुई अपनी इमेज को हम तोड़ देते हैं और परमेश्वर की इमेज को उनके सोचों में हम भर देते हैं। प्रचार करके हम उनके अंदर परमेश्वर उनके बारे में क्या कहता है उन बातों को हम उनके अंदर दे देते हैं और उनको उनके पुराने लाइफ में से आज़ाद होने का उनको हियाव बनाते हैं। ओके, तो ये काम परमेश्वर का है, इसके लिए सुसमाचार फैलाना परमेश्वर का काम है, वो काम की जिम्मेदारी हमको दी गई है। ओके, अब हम ये काम करें तो ये तरीका परमेश्वर का हमने सीख लेना है। ये आया कहाँ से है, यशया के भविष्यवाणी में ये ऑलरेडी चल रहा था, परमेश्वर डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा था इज़राइल के साथ और यरूशलेम के साथ, और वही तरीका यीशु मसीह ने हमारे पास पहुंचाया है, क्योंकि ये तरीके से ही हम दुनिया के अंदर के लोगों को भी परमेश्वर के पास लाना है। तो ये कोई नया तरीका नहीं है। ओके, ये कोई नया टेक्निक परमेश्वर ने यूज़ किया ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर का अपना चलता आया हुआ रास्ता ही सब लोगों के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल में रखा है। मैं अब एक बार और देखेंगे, हम यरमिया के 17:2 में देखेंगे, यरमिया 17:2। यरमिया 17:2, उनके वेदियाँ और अशेरा नामक देवियाँ जो हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टीलों पर के ऊपर है, वे उनके लड़कों को भी स्मरण रहती है। दोबारा पेड़ों के बारे में दिया गया है, यहेजकेल 6:6। यहेजकेल 6:13 देखिए, आपको ये वचनों को खोल के पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि ये बहुत डेंजरस जोन है जब आप सिर्फ सुन रहे हैं और वचन को खोल के नहीं पढ़ेंगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक वो आपके सोल के ऊपर प्रिंट नहीं होता है। ओके, आपको निकालना है वचन को और उसे अपने सोल के लिए प्रिंट होने देना है। जैसे एक प्रिंटिंग प्रेस में पेपर के ऊपर छापना है तो पेपर को लाना पड़ता है मशीन में, उसके बाद उसके ऊपर छपाई शुरू करनी पड़ती है, वो छप कर आता है तभी वो इस्तेमाल होता है ना। तो 13 देखिए, जब हर एक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों की हर एक चोटी पर और हर एक हरे पेड़ के नीचे और हर एक घने बांज वृक्ष के छाया में जहाँ जहाँ वे अपनी सब मूर्तों की सुखदायक सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं, वहाँ उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियों के आसपास अपनी मूर्तों के बीच में पड़े रहेंगे। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। अब यहाँ पर भी परमेश्वर ने बांज वृक्ष के बारे में बोला, पहाड़ों के बारे में बोला, ऊंची पहाड़ी के बारे में बोला, ये सारी चीजें घृणित है, परमेश्वर उसको घृणा करता है। ओके, परमेश्वर को वो पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपको बहुत ध्यान रखना है, ये सारी चीजें क्यों परमेश्वर पसंद नहीं करता है, क्या रीज़न है, परमेश्वर उसके ऊंचे पहाड़ों के बारे में क्या प्रॉब्लम है उसको, पेड़ पौधों के बारे में क्या प्रॉब्लम है उसको, क्योंकि उसका यूज़ जो है वो अन्य शक्तियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो परमेश्वर ने नहीं रखी है। ओके, जो परमेश्वर ने मनुष्य के हित के लिए नहीं रखा है,
वो चीज़ों की, वो शक्तियों की उपासना के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए परमेश्वर बोलता है इज़राइल तूने उसके पास नहीं जाना है, ओके। लेकिन इज़राइल उन्हीं के पीछे चली गई। अब वो क्यों चली गई? क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला था, उस देश के वासियों के अनुसार तुम एक रूप मत हो। अब रोमियों के 12 अध्याय के 1-2 वचन में क्या बोला है कि तुम संसार के साथ एक रूप मत बनो, राइट। लेकिन आज लोग उस एक रूप में एक तिनके भर के तो अपने आप को तैयार करते हैं कि कम से कम एक रूप नहीं तो कम से कम तिनका भर तो मैं उसके समान बनूं, कोशिश करते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, उसके कारण व्यभिचारी बन जाते हैं। समझ में आया? तो इज़राइल का व्यभिचारी होने का कारण क्या था, उस देश के वासियों के समानता में वो भक्ति में जुड़ गए थे, ओके। तो हमको परमेश्वर बोलता है अब तुम्हारी भक्ति कौन सी रहेगी, अगर तुम संसार के साथ एक रूप बनने की कोशिश करोगे तो तुम उस संसार के शक्तियों के साथ भक्ति में जुड़ जाते हैं, हालेलुया। और ये भक्ति व्यभिचारी भक्ति है, ओके। इसके लिए तुमको क्या करना चाहिए, जो परमेश्वर को भावता हुआ जीवित बलिदान बनना चाहिए, जो परमेश्वर को एक्सेप्टेबल सेक्रीफाइस है, एक्सेप्टेबल है, ग्रहण योग्य है। तो उसको ग्रहण योग्य क्या है, पश्चातापी हृदय के साथ जो परमेश्वर देता है, उसी छत्र छाया में बने रहो, उसी वचनों के नीचे बने रहो। आप संसार का पीछा करना छोड़ दो, आसान शब्द से समझ में आया आपको? तो ये ऐसे आपको पुराने नियम का इस्तेमाल करना है। और मैं आपको क्या बताया, जो पौलुस ने प्रचार किया है वो सारे इन सारी चीज़ों को ही लेके 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 उसने लोगों को प्रचार किया है। आज हम नया नियम ही इतना पढ़ते हैं, पत्रियों को ही दिन और रात हम रटते हैं, बाय हार्ट करते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से है, ये पुराने नियम में से ही आया। यशया के अंदर से कितने सारी चीज़ें पौलुस ने, पत्रस ने बोली है लोगों को कलसिया के अंदर। आपने प्रकाशित वाक्य तक देखा कि किस प्रकार से प्रकाशित वाक्य में भी यूहन्ना को दिया गया था प्रकाशन, लेकिन 7 कलसियाओं के बारे में वो बता रहा था, फिर भी वो कहाँ से आया, यही इसके अंदर से आया, यशया के भविष्यवाणी में से निकला है। समझ में आया? तो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा देके लिखा गया पवित्र बाइबल है, लेकिन पवित्र आत्मा भी नए नियम के अंदर पुराने नियम के अंदर की ही जो बातें हैं, जो बोलने की बातें हैं, वही निकाल कर नए नियम में लोगों के मुंह से बुलवा रहा है, लोगों के हृदय में डाल रहा है, और वो लोग लिख रहे हैं। पत्रियों को लिखा उन्होंने, पत्रियों के उपदेशों को लिखा उन्होंने, परमेश्वर के वचनों को सहायता लेकर समझाया, सिखाया उनको, लेकिन लाया कहाँ से, वो पवित्र आत्मा की सहायता से ही। लेकिन वो पवित्र आत्मा की सहायता से कहाँ से निकाला उन्होंने, पुराने नियमों से निकाला। तो आपको समझ में आया ये पुराना नियम किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है? आपको ध्यान रखना है जो पनिश की बातें की गई है, जो पनिशमेंट की बातें की गई है, वो यहूदा और यरूशलेम के लिए की गई है, लेकिन उनको परमेश्वर दोबारा अपने पास लाने का रास्ता कैसे उसने इस्तेमाल किया, किस प्रकार से उसने पश्चाताप के बारे में बोला, किस प्रकार के चरित्र को उसने बोला कि तुम मेरे लिए इस प्रकार के चरित्र में जियो, ऐसा ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये आपको अपने ऊपर लेना है, ये आपके लिए है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, जो इज़राइल के वक्त था वो अभी भी वैसा ही है, इसके लिए उसको क्या पसंद है वो आप उठाइए, लेकिन बाकी चीज़ें वो यहूदा और यरूशलेम को बोल रहा है इसकी आप ध्यान रखिए, ओके। और वो क्यों बोल रहा है इसकी आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे अभी उसने पेड़ पौधों के नीचे नहीं जाना है, वहाँ के बलियों को नहीं खाना है, ये सब बोला, तो क्यों, कहाँ कहाँ लिखा है वो मैंने आपको बताया कि उसके कारण वो व्यभिचारी बन गए। आप संसार के साथ एक मन होने की कोशिश करेंगे, व्यभिचारी बन जाएंगे आप। समझ में आया? क्योंकि आपका उसके अनुरूप होना ही आपका आराधना हो जाता है संसार को,
संसार की शक्तियाँ इन्हीं के द्वारा होती है, पेड़ पौधों के नीचे बलि किए हुए, यज्ञ किए हुए और ऊंचे स्थानों में यज्ञ किए हुए और पहाड़ों के बीच में जाके कुछ किए गए, ऐसे जो स्थान में से किए गए, यही में से आपका संसार चल रहा है और उसके अनुरूप जब आप हो जाते हैं, उनके भक्ति में आप शामिल हो जाते हैं, इसके कारण आप व्यभिचार का असर आपके ऊपर ले लेते हैं। फिर समझ में आया, इसके कारण आपका, मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आत्मिक जीवन ठंडा पड़ जाता है। इसके कारण आत्मा के अंदर आप सरल रास्ता देख नहीं पाते हैं, यही उसका कारण है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है और क्या नुकसान होता है, लेकिन ये एक बहुत असली चीज़ है, वो आपको एकदम ओपनली मैं बता दूँ। मैं नहीं जानती हूँ कि आपके साथ ये कैसे क्या काम करेगा, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में जान लिया है। संसार के साथ एक रूप होकर चलना, इसका मतलब क्या बन जाता है, इसका मतलब यही बन जाता है कि हम उनके वर्शिप में शामिल हैं, उनके भक्ति में शामिल हैं। ओके, तो इस बात की आप ध्यान रखें कि संसार के साथ ना चले, क्योंकि परमेश्वर को पसंद नहीं है और उसके कारण आपका और परमेश्वर के रिश्ता में कुछ ना कुछ, तो मैं गारंटेडली बोलती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग सही है या गलत है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन परमेश्वर है वो। मैं नहीं जानती हूँ क्या आपका रिश्ता फिर भी परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग है, तो आप मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, अच्छा है। ओके, लेकिन इस बात को मैंने अनुभव भी किया है और मेरे अंदर इसकी तसल्ली हो चुकी है कि संसार के साथ एक होकर जीने से परमेश्वर खुश नहीं रहता है, ये मैंने अपने अंदर समझ लिया। इसके लिए मेरा और संसार का एक मन होना बहुत मुश्किल है। ओके, लेकिन परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी करने के लिए उठ लेती हूँ अपने आप को, लेकिन संसार की ओर से अगर मुझे कुछ ऑफर्स आते हैं, कुछ भी बातें आती हैं, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती। ओके, तो ठीक है, हम आगे देखेंगे। Some of the strength that is brought out to give a glimpse, you know, of your dreams. And you know,